नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम आपके लिए महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट MCQs को कवर करेंगे, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। बापू का नाम जितना हमें पूरी दुनिया में गौरवान्वित करता है, बापू का इस देश की आज़ादी के लिए किया गया संघर्ष जितना हमें कभी न रुकने, कभी न थकने और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रेरणा देता है, बापू का बताया अहिंसा का रास्ता आज भी जितना पूरी दुनिया में चल रहे झगड़ों से बाहर निकल समस्त मानव जाति को शांति और भाईचारे का संदेश देता है, उतना ही बापू के जीवन और संघर्ष से जुड़े कुछ प्रश्न हमें परीक्षाओं में कठिनाइयों में डाल देते हैं। अब दुनिया में चल रहे झगड़ों पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए तो पूरी दुनिया को गांधीयन बनना पड़ेगा, गांधी को ना सिर्फ पढ़ना बल्कि समझना पड़ेगा। लेकिन हम आपकी परीक्षाओं में आने वाले कठिनाइयों से आपको बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और ऐसे ही GK और करंट अफेयर की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी का जन्म ऑप्शन ए पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ गांधी जी एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, गांधी जी की क्या उम्र थी जब उनकी शादी हुई थी। तो गांधी जी की उम्र ऑप्शन बी 13 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी जी का नाम था कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया, इनकी शादी हुई थी 1883 में। और जब गांधी जी की शादी हुई तो गांधी जी की उम्र 13 साल थी और कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया जी की उम्र 14 साल थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट हाउ ओल्ड वॉज गांधी व्हेन ही रीच्ड लंडन टू बिकम बैरिस्टर, किस उम्र में महात्मा गांधी जी लंदन पहुंच गए बैरिस्टर बनने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मात्र 19 साल की उम्र में गांधी जी लंदन पहुंच गए थे बैरिस्टर बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने दो गुरु याद रखने हैं, एक पॉलिटिकल गुरु और एक स्पिरिचुअल गुरु। पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, स्पिरिचुअल गुरु लियो टॉल्स्टॉय, जो हम आगे भी देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो कई बार चिट्ठियों में लेटर्स लिखकर गोपाल कृष्ण गोखले जी का ओपिनियंस मांगा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही महात्मा गांधी जी को कहा था कि अब वापस भारत में आए, भारत में आके अपना समय यहाँ पर इन्वेस्ट करें, भारत को समझें और फिर इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें अपना काम करें, अपना योगदान दें। तो इसलिए पॉलिटिकल गुरु जो है महात्मा गांधी जी का, उन्हें ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेशन इन साउथ अफ्रीका गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। तो ये एक इंसिडेंट है जब गांधी जी फर्स्ट क्लास जो ट्रेन का कोच है वहाँ बैठे हुए थे, फिर वहाँ पे कुछ अंग्रेज आए, उन्होंने कहा इन्हें कि आप ये जो है ये इलीट क्लास या वाइट्स के लिए रिजर्व है, क्योंकि ये उस समय काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ हुआ करती थी, जो एक काफ़ी अपार्थाइड मूवमेंट हम साउथ अफ्रीका में देखते हैं। तो गांधी जी को कहा गया कि आप फर्स्ट क्लास कोच जो है वहाँ से चले जाइए, लेकिन गांधी जी ने जाने से मना कर दिया था, इसलिए उनको वहाँ से फेंक दिया गया था, थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। तो अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पीटर मारिट्सबर्ग। तो पीटर मारिट्सबर्ग जो था, इस स्टेशन से साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन के बाहर निकाल दिया गया था 1893 में, जब उनकी उम्र मात्र 30 साल की उम्र की थी। साउथ अफ्रीका वो गए क्यों थे, देखिए अब्दुल्लास कज़न के लॉयर बन के वहाँ पे केस लड़ने के लिए वो वहाँ गए थे, जहाँ पर वो फर्स्ट क्लास कोच में बैठे थे, वहाँ से उनको कहा गया कि जाइए, वो नहीं गए और फिर वहाँ पे उन्हें धक्का देके फेंक दिया गया 30 साल की उम्र में 1893। राइट आंसर है पीटर मारिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस वॉज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेडिशन। तो सेडिशन चार्जेस लगाने के बाद सबसे पहले गांधी जी को कहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद से 10 मार्च 1922 को
उन्हें अरेस्ट किया गया था और 6 साल के लिए उनको सेंटेंस किया गया था, जेल में भेजा गया था, लेकिन बाद में फिर 2 साल ही उन्होंने वो जो सेंटेंस था वो जेल में वो रहे थे। तो सबसे पहले जो सेडिशन के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था वो ऑप्शन डी अहमदाबाद से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे ऑफ मार्च 1930 द फेमस डांडी मार्च लॉन्च बाय द गांधी जी। तो गांधी जी के द्वारा आप सब जानते हैं कि डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। तो सवाल है कि 1930 में मार्च के महीने में कौन सी तारीख थी जब गांधी जी ने डांडी मार्च की शुरुआत करी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 12th। तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरुआत करी थी और 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। ये एक एक्ट था नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो डांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और ख़त्म 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। आप सब जानते हैं काफ़ी फेमस गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। तो सवाल है कि कब साइन हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। ये दरअसल एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट थी बिटवीन महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, जो कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उससे बिल्कुल पहले हुई थी, दैट इज़ इन लंदन। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई उससे कुछ समय पहले हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। तो कब हुआ था, 5 मार्च 1931, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज गिवन द स्लोगन डू और डाई, करो और मरो, ये स्लोगन किसने दिया था। तो निम्नलिखित ऑप्शंस में से ये स्लोगन किसी ने नहीं दिया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई, दैट इज जियो या मरो, और ये दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। हु किल्ड महात्मा गांधी जी, अब महात्मा गांधी जी को किसने मारा था। तो ऑप्शन बी, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा था। और नाथूराम गोडसे जो थे, जब उन्होंने महात्मा गांधी जी को मारा तो पूरी दुनिया में एक मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ थी, देश में सभी देशवासियों के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन उससे भी बड़ा शॉकिंग ये था कि जिस कम्युनिटी से नाथूराम गोडसे आया करते थे उस कम्युनिटी के बहुत से लोगों को, हज़ारों लोगों को, हज़ारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। जिन महात्मा गांधी जी ने पूरी उम्र अहिंसा में, अहिंसा के प्रिंसिपल्स पे अपना जीवन बिताया, उनके प्रिंसिपल्स पे चलने वाले जो कि कुछ लोग क्लेम करते थे कि हम गांधीयन हैं, उन्होंने नाथूराम गोडसे के जो कम्युनिटी थी, यानी जिस कम्युनिटी से, यू नो कि इंडिया में कास्ट और रिलीजन जो है वो काफ़ी एक इशू रहता है, तो नाथूराम गोडसे बेसिकली एक ब्राह्मण जो कम्युनिटी है वहाँ से आया करते थे। तो काफ़ी ब्राह्मण्स को खासकर महाराष्ट्र में मारा गया था आफ्टर असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। तो यहाँ सवाल है कि जो गांधीज्म की हम बात करते हैं, गांधी के प्रिंसिपल्स की, जिन महात्मा गांधी जी ने पूरी ज़िंदगी अहिंसा के प्रिंसिपल्स पे गुजारी, उन गांधी जी को मारने वाले लोगों ने अननेसेसरी नाथूराम गोडसे ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं उनके लोगों को मारा, जबकि उस कम्युनिटी के लोगों का क्या लेना दे। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर एक आधा व्यक्ति कोई टेररिस्ट निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इस्लाम को मानने वाले लोग आतंकवादी हैं। और ये बात सच भी है, बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई बहन हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं और इवन काफ़ी अच्छे भी होते हैं, देशभक्त भी होते हैं। और हमारे पास तो APJ अब्दुल कलाम जैसे बतेरे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन दिया। तो उसी प्रकार से अगर एक टेररिस्ट का, जैसे कि अगर का कोई का लॉजिक नहीं है, कोई भी टेररिस्ट का जो रिलेशन है वो धर्म के साथ नहीं होता, धर्म सारे अच्छे होते हैं, जो लोग हैं जिसकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वही गलत है। तो जैसे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वैसे नाथूराम गोडसे की भी कोई जाति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये भारत के इतिहास में दुर्भाग्य है कि नाथूराम गोडसे की जाति देखी गई और हज़ारों में महाराष्ट्र में लोगों को मारा गया था। तो यह आपको इसलिए बताना ज़रूरी थी क्योंकि जब हम टीचिंग्स ऑफ गांधी, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, तो टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी में जब हम अहिंसा की बात करेंगे तो देखो, एक तो बात बोलने के लिए होगी कि जी ये अहिंसा अहिंसा है,
फिर गांधी जी ने बोला अहिंसा, तो देखो है ना ऐसे नेता लोग करते हैं कि अहिंसा अहिंसा की जरूरत, गांधी ने बोला, मैटर तो ये करता है कि आपने उसको समझा और अपने जीवन में उसका अनुसरण किया कि नहीं किया। अगर अनुसरण किया तो लॉजिक बनता है, अनुसरण अगर नहीं किया तो फिर तो तुम सिर्फ ऐसे ही क्रैमिंग कर रहे हो, रट्टाबाजी है कि जी बोलने के लिए बोल दिया गया। इसलिए जब भी आपने कुछ चीज़ें पढ़नी है तो उसको समझने की कोशिश करनी है, और समझने से मेरा मतलब है कि समझ वो तभी होगी जब आप उसे अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। अब दोबारा अपना सवाल पढ़ाए कि हु किल्ड गांधी जी, तो ऑप्शन बी नाथुराम गोडसे किल्ड गांधी जी, असैसिनेट गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट के ऑथर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने लिखी है अनटू दिस लास्ट, ये एक ऐसे है, एक बुक है इकोनॉमी के ऊपर, और इस वीडियो में जो कि गांधी जी से जुड़ी है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो हम इसको क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बुक है ये काफ़ी, इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी जी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज़ एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का एक बहुत ही एसेंशियल प्रिंसिपल एज पर महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों के तीनों जो हैं वो गांधी जी के द्वारा एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं सत्याग्रह के, इनफिनाइट कैपेसिटी ऑफ सफरिंग, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। तो ये तीनों एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं सत्याग्रह के एज पर महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, हु ट्रांसलेटेड इट इन टू इंग्लिश। अब देखिए गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स। इसको सबसे पहले गांधी जी ने लिखा था गुजराती लैंग्वेज में, गुजराती भाषा में। तो इन निम्नलिखित में से आपने बताना है किसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेव देसाई। महादेव देसाई कौन थे? महादेव देसाई पर्सनल सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी जी के। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे? तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन बी महादेव देसाई। और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 अगस्त 1942 को। तो इन्होंने ट्रांसलेट करी थी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी, और उसका नाम क्या था, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये भी पूछा जा सकता है। ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की जो कि ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी, और इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया? महादेव देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द वर्क ऑफ महात्मा गांधी जी। तो निम्नलिखित में से जो ये तीन किताबें बताई हैं इनमें से कौन सी किताब गांधी जी ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखी, और हिंद स्वराज, ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई हैं? गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। और ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, जैसे मैंने बताया ये ऑटोबायोग्राफी है, ये महात्मा गांधी जी के चाइल्डहुड से लेके तो 1921 तक का जो टाइम पीरियड है उसको कवर करती है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी विन नोबेल पीस प्राइज। महात्मा गांधी जी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसा और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसमें लगाया, अपना पूरा जीवन दे दिया इस देश के लिए, माँ भारती के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अहिंसा का जो मार्ग है वो कभी नहीं छोड़ा। तो ऐसे व्यक्ति को तो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना ही चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी से इंस्पिरेशन ली, जिसमें नेल्सन मंडेला आते हैं, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जेआर आते हैं, और ऐसे तमाम अनगिनत लोग हैं जो गांधी प्रिंसिपल्स के ऊपर चले, और उन्होंने भी अपने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया और महानता पाई। नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज़ तो मिलना चाहिए, तो इसमें सवाल है कि कब मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कभी मिला ही नहीं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य इस दुनिया का, और ख़ासकर जो नोबेल प्राइज़ देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नहीं हो सकता। हालाँकि महात्मा गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया जा चुका है, 1937, 1938, 1939, then 1947 and then 1948। उन्हें जब
असैसिनेट किया गया था, तो उससे कुछ महीना पहले मुख्यतः जनवरी 1948 उनके डेथ से कुछ समय पहले उन्हें 5 बार नॉमिनेट तो किया गया, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल पीस प्राइज मिला ही नहीं। तो अब सवाल है कि ये नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को मैंने काफ़ी होलिस्टिकली विस्तार से एक अलग वीडियो में कवर किया है ऑलरेडी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया है कि महात्मा गांधी जी को असल में नोबेल पीस प्राइज़ क्यों नहीं मिला। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द नेटल इंडियन कांग्रेस NIC। NIC नेटल इंडियन कांग्रेस, इसको निम्नलिखित में से किसने इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से राइट आंसर ऑप्शन डी है, किसी ने भी नहीं। इसको इस्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने। और यहाँ पर देखो डेट को ध्यान में दीजिएगा, सबसे पहले नेटल इंडियन कांग्रेस इसे प्रपोज किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा 22 मई 1894 में, और असल में इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 22 अगस्त 1894 में। तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हुई प्रपोज, यहाँ पर हुई इस्टेब्लिश। तो ये दो डेट्स हैं रिलेटेड टू नेटल इंडियन कांग्रेस। और इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया, टू इम्प्रूव राइट्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में काफ़ी जो भारतीय हमारे रहते थे उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती थी बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, जो यू नो कि वहाँ पे रेसिज्म काफ़ी था। तो इसकी वजह से हमारे जो भारतीय मूल के लोग थे उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो उनके जो राइट्स हैं इंडियंस के उनको इम्प्रूव करने के लिए साउथ अफ्रीका में हमारे महात्मा गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। तो इसको प्रपोज किया गया 22 मई 1894 और इसको इस्टेब्लिश किया गया 22 अगस्त 1894। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि किसके द्वारा की गई थी इस्टेब्लिश, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब हमने बता दिया कि साउथ अफ्रीका में वो एज अ लॉयर गए, फिर वहाँ पे उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया, फेंक दिया गया, वहाँ पे उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना करी। तो फिर वापस भारत में वो कब आए, तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, 1915। तो 1915 वो ईयर था जब हमारे गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द नेम ऑफ मदर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम, जिन्होंने ऐसे महात्मा और ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जिनका नाम युगों युगों तक पूरी दुनिया में अमर रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म देने वाली माता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पुतलीबाई। पुतलीबाई नाम था महात्मा गांधी जी की मदर का, और इनके पिताजी का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी। तो पुतली बाई, श्रीमती पुतली बाई गांधी इज राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल द फादर ऑफ द नेशन टू गांधी जी। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुभाष चंद्र बोस। ऑल्दो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में कुछ मुद्दों के ऊपर उतार चढ़ाव रहता था, नहीं बनती थी कुछ केसेस में, लेकिन स्टिल सुभाष चंद्र बोस जी ने ही गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। ये कहा कब था, 1944 में, जब सिंगापुर में वो एक रेडियो प्रोग्राम में थे। तो रेडियो प्रोग्राम में इन सिंगापुर इन द ईयर ऑफ 1944 सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। अब गांधी जी को और कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि गांधी जी को मलंग बाबा भी कहा जाता था। तो सवाल है किसके द्वारा, अर्धनगन फकीर कहा गया, सवाल है किसके द्वारा, मिक्की माउस कहा गया, सवाल है किसके द्वारा। तो गांधी जी को ये जो अलग अलग नाम दिए गए थे इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे के सारे जो ये इस प्रकार के नाम हैं उनको कवर किया है कि किसने गांधी जी को कौन सा नाम दिया। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल पूछ लिया जाता है, और वैसे भी गांधी वैसे ही
काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर एग्ज़ाम में, क्लेरिकल से लेके तो यूपीएससी तक के में। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ काफ़ी और नाम हैं, जैसे बिहार का गांधी है ना, देन श्रीलंका का गांधी, देन आपके पास आता है अफ्रीका का गांधी। तो इस प्रकार से बहुत से नाम है, फ्रंटियर गांधी, ये सब किसे कहा जाता है। इस पर इस पूरे टॉपिक को भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, जहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स रिलेटेड टू गांधी जी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी टेक द वो ऑफ ब्रह्मचार्य एंड सेलिबेसी ऑफ इन हिज लाइफ। तो आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ब्रह्मचार्य को एक्सेप्ट कर लिया था। तो सवाल है कि कब महात्मा गांधी जी ने ब्रह्मचार्य को एक्सेप्ट किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1906। तो 1906 में गांधी जी ने ब्रह्मचार्य या सेलिबेसी एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी जी। तो हमने ऑलरेडी देख लिया ऑप्शन ए, महादेव देसाई, ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी जी के, जिन्होंने इनकी लिखी ऑटोबायोग्राफी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जो गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी, गुजराती लैंग्वेज में लिखी थी। तो ऑप्शन ए, महादेव देसाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन साउथ अफ्रीका गेव गांधी जी अनटू दिस लास्ट टू रीड विच प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव बुक्स ऑफ हिज लाइफ। अब हमने इससे पहले देख लिया कि अनटू द लास्ट ये किताब लिखी थी जॉन रस्किन ने, ये बुक थी ऑन इकोनॉमी, और गांधी जी के ऊपर इस किताब का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। लेकिन अब सवाल यह है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी को अनटू दिस लास्ट ये किताब किस व्यक्ति ने निम्नलिखित में से पढ़ने के लिए दी थी। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, H.S. Pollock। तो H.S. Pollock ने अनटू दिस लास्ट किताब रिटन बाय जॉन रस्किन दी थी गांधी जी को साउथ अफ्रीका में। तो ऑप्शन बी, H.S. Pollock इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब गांधीज मार्च टू डांडी इन द फॉलोइंग वर्ड्स, लाइक द हिस्टोरिक मार्च ऑफ रामाचंद्रन टू लंका, द मार्च ऑफ गांधी विल बी मेमोरेबल। तो महात्मा गांधी जी ने जब डांडी मार्च किया, तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस डांडी मार्च को, जो हमने पहले एक सवाल में कवर किया, ये कहा कि जैसे हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी का हिस्टोरिक मार्च था लंका में, आप सब जानते हैं भगवान श्री राम के बारे में, लॉर्ड रामा जब वो श्रीलंका में रावण को मारने के लिए गए, तो जैसे वो मेमोरेबल है, वैसे ही महात्मा गांधी जी का जो डांडी मार्च है वो भी मेमोरेबल रहेगा, याद रखा जाएगा, याद किया जाएगा, और नो डाउट किया जाता है। तो ये बात जो थी ये किसने कही थी, तो ये कही थी ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू जी ने। तो मोतीलाल नेहरू जी ने गांधी जी के डांडी मार्च पर कहा था कि जैसे कि रामचंद्र जो हमारे भगवान श्री राम हैं, उनका जो मार्च था लंका में उसको जैसे याद रखा जाता है, वैसे ही गांधी जी का जो डांडी मार्च है उसको याद रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अकॉर्डेड वेरी हाई प्रायोरिटी टू कॉमनल हार्मनी इन हिज प्रोग्राम ऑफ एक्शंस, एट विच प्लेस डिड ही अंडरटेक हिज लास्ट फास्ट फॉर इट ऑन January 13, 1948। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और यही हमारी डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है वही हमारे देश की पहचान है, जिसको हम अनेकता में एकता भी कहते हैं। दुर्भाग्यवश बीच बीच में कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि कहीं पे धर्म या जाति के ऊपर कुछ ना कुछ बीच में कुछ हो गया, एंड देन कॉमनल हार्मनी जो है वो वहाँ पे डिटीरियोरेट होती हुई देखने को मिलती है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। एज एन इंडियन हम सभी का यही दायित्व है कि हम हर एक धर्म की इज्जत करें, क्योंकि यही हमारा धर्म और संस्कृति सिखाता है, और बाकी जो भी सोशल स्टिग्माज हैं उन सारों से ऊपर उठें, जातिवाद से ऊपर उठें, और एक ऐसी सोसाइटी बनाने का प्रयास करें जो गांधी जी का सपना था, और उस सपने को साकार तभी करेंगे जब हम जाति सबसे ऊपर उठेंगे जातिवाद से, और धर्म में हर एक धर्म की इज्जत करेंगे, अपने धर्म को मानें लेकिन हर धर्म की इज्जत करें।
तो ये जो कम्युनल हार्मनी थी, ये गांधी जी के जो भी प्रोग्राम थे, एक्शंस थे, उसमें वो हाई प्रायोरिटी थी, जो कि ज़रूरत भी थी। तो कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को अपना लास्ट फास्ट किया था। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से कहाँ पे गांधी जी ने अपना लास्ट फास्ट किया था, किस चीज़ के लिए? कम्युनल हार्मनी के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दिल्ली में। तो दिल्ली में किया था महात्मा गांधी जी ने अपना लास्ट फास्ट 13 जन 1948 में, कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स? गांधी जी ने अपने दो लंग्स, दो फेफड़े, इन निम्नलिखित में से किसे बताया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपके पास सी है, अहिंसा एंड ट्रुथ। तो देखिए कैसे महान व्यक्ति थे, मतलब ये एक तरीके का, मतलब एक तरीका है बताने का कि ये दो चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, कि गांधी जी इसको अपने लंग्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो गांधी जी ने अपने दो लंग्स किस किस को बताया था? अहिंसा को एंड ट्रुथ को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज अहिंसा एंड ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंसेस बिटवीन गांधी जी लेड सुभाष चंद्र बोस टू रिजाइन द प्रेजिडेंटशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939, लीविंग द कांग्रेस ही फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी कॉल्ड व्हाट? देखिए, जैसे हमने पहले भी बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस रहते थे, कई बार रहे, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1939 के समय सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन गांधी जी के डिफरेंसेस के वजह से उन्होंने इस जो पद था इसको त्याग दिया था, रिज़ाइन कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तो आपसे सवाल है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जहाँ पर मैंने इनके लाइफ से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर किया है। ऐसे ही मैंने एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी बनाई है, इन दोनों का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड महात्मा गांधी हैव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी का एल्डेस्ट सन कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरिलाल। हरिलाल महात्मा गांधी जी के एल्डेस्ट सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ महात्मा गांधी? तो यंगेस्ट सन महात्मा गांधी जी के देवदास थे, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ ओल्ड वॉज महात्मा गांधी वेन ही मेड द फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन हिज लाइफ? सबसे पहले जब एक पब्लिक स्पीच दी थी महात्मा गांधी जी ने, तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 25 साल, 25 ईयर्स। 25 साल की उम्र में महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे पहली पब्लिक स्पीच को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी सन हरिलाल एक्सेप्टेड इस्लाम इन मई 1936 इन द मिडस्ट ऑफ अ लार्ज कॉन्ग्रीगेशन इन अ मॉस्क इन डैश। निम्नलिखित में से जो जगहें आपको बताई गई हैं, इनमें से एक ऐसी जगह है जहाँ पे गांधी जी के एक बेटे हरिलाल ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया था मई 1936 में। तो आपको बताना है कि एक मॉस्क में, एक मस्जिद में, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, तो वो मॉस्क कहाँ स्थित थी? तो जहाँ पर गांधी जी के बेटे हरिलाल ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था मॉस्क में, वो थी मुंबई में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो मुंबई की एक मस्जिद में गांधी जी के बेटे हरिलाल जी ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था मई 1936 में। हाउ मैनी टाइम्स वॉज महात्मा गांधी जेल्ड? महात्मा गांधी जी को कितनी बार जेल में भेजा गया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 11 बार। 11 बार टोटल महात्मा गांधी जी जेल में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अ रेजिडेंट मेडिकल अटेंडेंट टू महात्मा गांधी एट इज साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम में जब महात्मा गांधी जी रहते थे, तो वहाँ पे उनके मेडिकल अटेंडेंट कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुशीला नायर। सुशीला नायर गांधी जी की मेडिकल अटेंडेंट थे जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी सर्व्ड हिज लास्ट जेल सेंटेंस।
मैं हमने आपको बताया 11 बार महात्मा गांधी जी जेल जा चुके थे। आपने बताना है इनमें लिखित में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर लास्ट टाइम महात्मा गांधी जी को जेल हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पुणे में। पुणे में महात्मा गांधी जी को आखिरी बार जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑल अबाउट हाउ मैनी मंथ्स डिड महात्मा गांधी स्पेंड इन जेल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। 11 बार गांधी जी को जेल हुई, सबसे लास्ट पुणे की जेल में उनको रखा गया, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितने महीने, जितनी बार भी महात्मा गांधी जी जेल में गए, दैट इज 11 टाइम्स, तो उनमें कितने टोटल महीने उन्होंने जेल में काटे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 82 महीने महात्मा गांधी जी ने स्पेंड किए हैं जेल में ड्यूरिंग हिज एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे के पूरे जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अर्ज्ड दैट द बॉडी ऑफ महात्मा गांधी बी प्रिजर्व्ड लाइक लेनिन्स बॉडी इन मॉस्को। लेनिन एक सोवियत यूनियन का लीडर है, जिसको हम USSR भी कहते हैं। USSR के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरे के पूरे USSR को कवर किया है। उसमें आपको हमने ये भी बताया है कि रशिया और यूक्रेन में एक वॉर जो है अभी हाल ही में चल रहा है, तो उसमें एक बात ये भी है कि रशिया का ही पहले पार्ट हुआ करता था यूक्रेन, और 1991 में USSR का विघटन हुआ, तब जाके वो एक अलग देश बना, और फिर कुछ चीज़ें, चाहे वो टेरिटरी हो या बाकी कुछ कल्चर या कुछ भी चीज़ें हों, वहाँ के क्लैश शुरू हुए। ये मैंने आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया था, और USSR से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चंस को भी मैंने कवर किया है। अगर आप चाहें तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन लेनिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है रशिया के लिए, और पूरी दुनिया के जितने कम्युनिस्ट लीडर्स हैं वो भी लेनिन की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व किया गया मॉस्को में। तो अब सवाल है कि निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि जैसे लेनिन की बॉडी को मॉस्को में प्रिजर्व किया गया है, वैसे ही महात्मा गांधी जी की बॉडी को भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए। अर्ज करने का मतलब होता है मांग करना, तो ऐसी मांग किसने करी थी, तो ये मांग करी थी ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंट बैटन ने। तो लॉर्ड माउंट बैटन ने कहा था कि जैसे लेनिन की बॉडी को मॉस्को में प्रिजर्व किया गया है, वैसे महात्मा गांधी की बॉडी को भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज लॉर्ड माउंट बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स बींग महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी, 30th January इन द कंट्री इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज। 30th January को गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, लेकिन 30th January गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी के अलावा किस डे के रूप में मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मार्टियर्स डे और एंटी लेप्रोसी डे। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में लेप्रोसी के जो पेशेंट्स थे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी कुछ लोगों के द्वारा, उसके खिलाफ भी अपने जीवन में काफ़ी एक बड़ा संघर्ष किया है और लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया है। लेप्रोसी क्या है, एक बीमारी है, कैसे होती है, मैंने एक अलग वीडियो में इसको पूरा कवर किया है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको मार्टियर्स डे के साथ साथ एंटी लेप्रोसी डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो 30th January गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी के साथ साथ मार्टियर्स डे और एंटी लेप्रोसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिज़ायर टू कन्वर्ट महात्मा गांधी टू क्रिश्चियनिटी इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में रहते थे तब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो वो उन्हें क्रिश्चियन बनाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, AW Baker। AW Baker वो व्यक्ति हैं जो महात्मा गांधी जी को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने बेकर को बेक कर दिया, यानी पका दिया, और वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए। तो कौन करना चाहता था, ऑप्शन है AW Baker। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी फाउंडेड द ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन विच ईयर। निम्नलिखित में से कौन से साल में महात्मा गांधी जी ने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बनाया था। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन बी है, दैट इज 1903। क्यों बनाया गया था, वहाँ पर जो एंटी इंडियन लेजिस्लेशंस थे उनके प्रोटेस्ट करने के लिए इस ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 1903।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से इंडिया कब रिटर्न हुए? हमने ऑलरेडी ईयर देख लिया है 1915, लेकिन यहाँ पे डेट भी है तो डेट भी याद रखना ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया, और इसीलिए हम हर साल 9 जनवरी में मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्या होता है, इसका एम क्या है और इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 9 जनवरी 1915, और यही कारण है कि हम हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड विच इज़ कंसीडर्ड एज द गांधीन ईरा इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अब जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपके पास आता है मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन ईरा। तो ये जो गांधीयन ईरा है ये कौन सा साल है जिसको हम गांधीयन ईरा कहते हैं? अब देखो यहाँ पे ढंग से ऑप्शंस देखो, महात्मा गांधी जी भारत कब आए, 1915, तो गांधीयन ईरा तो यहीं से शुरू होना चाहिए, तो यहीं से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1915 से 1948, जब साउथ अफ्रीका से भारत आए, एंड देन 1948 जब गांधी जी की असैसिनेशन होगी, तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं गांधीयन ईरा, 1915 से 1948। तो अगर आपको जब भी ये सवाल आता है तो एक बात ध्यान में रखनी है कि गांधीयन ईरा तभी से शुरू होगा जब गांधी जी इंडिया आए। तो गांधी इंडिया कब आए थे, 1915 में, तो 1915 से 1948 जब उनकी असैसिनेशन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज गांधी जी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में लिखी थी, तो ऑप्शन सी गुजराती में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉजेज गांधी जी टू अबैंडन हिज टाइटल केसर ए हिंद। अब गांधी जी को केसर ए हिंद का टाइटल मिला था, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी चीज़ थी जिसके वजह से गांधी जी ने ये केसर ए हिंद टाइटल है इसे छोड़ दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसी के बाद गांधी जी ने अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया केसर ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय गांधी जी। कांग्रेस के काफ़ी सेशंस हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में आया ना हो या आए ना और वो उस वीडियो में कवर ना हो। काफ़ी लोगों ने इसको अभी तक देखा है और मैं यूँ कहूँ कि मेरे चैनल में अभी तक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें तो हो सकता है कि INC से ज़्यादा ये वाली वीडियो मोस्ट व्यूड हो जाए, लेकिन अभी तक तो INC ही है। अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो पसंद की है, आपको भी अच्छी लगेगी, उसमें मैंने काफ़ी जीके ट्रिक्स भी बताए हैं, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें INC से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं। दोबारा आते हैं इस सवाल पे कि विच इज़ द ओनली कांग्रेस सेशन, सिर्फ इकलौता ऐसा कांग्रेस सेशन जिसको प्रिसाइड किया था गांधी जी ने, वो कौन सा था? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बेलगांव सेशन ऑफ 1924 जिसको प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल गांधी जी एज महात्मा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था ऑप्शन बी, टैगोर जी ने। और मैंने आपको बता ही दिया कि गांधी जी को महात्मा, फादर ऑफ द नेशन, मिकी माउस, मलंग बाबा और इसके साथ साथ अर्धनगन फ़कीर, ये सब किस किस ने कहे वो मैंने सारा एक अलग वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन बी, टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कॉल्ड एज पोस्ट डेटेड चेक बाय गांधी जी। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी था ये कई बार एग्जामिनेशन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी। अब देखो यार, हमने बोला कि गांधी जी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी किस में, गुजराती में। उसके बाद इनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थे जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। सवाल ये है कि गांधी जी ने जब गुजराती में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो गुजराती में उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन ए है, सत्य ना प्रयोगो।
अब यहाँ पे देखो, सत्य सत्य माने ट्रुथ, ना का यहाँ से मतलब नहीं, नो या मना नहीं है, ना का यहाँ पे मतलब है के साथ, और प्रयोगो मतलब प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, तो वहां से आया एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो इसका राइट आंसर क्या है, सत्य ना प्रयोगो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड दैट रेफर्ड टू इन गांधीज ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी में जो पीरियड है, जो रेफर किया गया है, वो कौन सा है। इसको हमने ऑलरेडी देखा भी कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेके तो 1921 तक का पीरियड जो है उसे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में रेफर किया है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, पोरबंदर गुजरात में, कब हुआ, 1869 में। तो 1869 से 1921 तक का जो पीरियड है उसे गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 1869 to 1921, दिस इज़ द टाइम पीरियड रेफर्ड इन गांधीज ऑटोबायोग्राफी बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी इन टू इंग्लिश, तो गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको गुजराती से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो ऑप्शन सी महादेव देसाई, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, साउथ अफ्रीका का गांधी, बिहार का गांधी, श्रीलंका का गांधी, ये सब किसे कहा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अलग वीडियो में कवर किया है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड एज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ गांधी जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दो गुरु देखने, हमने पॉलिटिकल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, स्पिरिचुअल गुरु ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय इज कंसीडर एज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ गांधी जी, लियो टॉल्स्टॉय जी को हम स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज मॉडर्न गांधी, मॉडर्न गांधी किसे कहा जाता है, ऑप्शन है बाबा आमटे, बाकी जो गांधी हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ गांधी ऑन नॉन वायलेंस, इस किताब के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है थॉमस मार्टन, थॉमस मार्टन ने लिखी है गांधी ऑन नॉन वायलेंस किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये किताब निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है लुइस फिशर, लुइस फिशर ने लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम की किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय गांधी जी, गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया था, तो एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसको गांधी जी ने अटेंड किया था, और वो है आपके पास ऑप्शन बी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको गांधी जी ने अटेंड किया था, और ये कब हुई थी, 1931 में, और कहाँ हुई थी, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गांधीज फादर ने, महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था, तो ऑप्शन बी करमचंद उत्तमचंद गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द तमिल गर्ल मार्टियर एट 16 होम गांधी जी हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड एज सेइंग वाज एन इंस्पिरेशन फॉर हिम टू स्टे द कोर्स इन फाइट फॉर इक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका। आसान भाषा में, साउथ अफ्रीका में एक तमिल बच्ची 16 साल की जिसको मार्टियर किया गया, शहीद किया गया, गांधी जी के लिए ये काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन बनी थी जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी के लिए संघर्ष किया, लड़ाई करी, तो उस 16 साल की तमिल बच्ची का क्या नाम था, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उसका नाम था थिलायडी वालियामाई। अब कोई अगर तमिल देख रहा हो तो माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो मैं नॉर्थ इंडियन हूँ एंड आई रिस्पेक्ट तमिल या साउथ इंडियन एंड लैंग्वेज एंड डायलेक्ट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। तो थिलायडी वालियामाई ये वो 16 साल की बच्ची थी जो मार्टियर हुई थी, और ये इंस्पिरेशन थी गांधी जी की साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ने की, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ गांधी जीज फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, तो आप सब जानते हैं काफ़ी पॉपुलर भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी
पीर पराया ही। अब मैं बड़ा बेसुरा सिंगर हूँ तो आगे नहीं गाऊंगा, लेकिन ये जो गांधी जी का फेवरेट भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, निम्नलिखित में से ये किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नरसी मेहता। इन्होंने लिखा था ये फेवरेट भजन जो था गांधी जी का, दैट इज वैष्णव जन तो तेने कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज। अब भारत में तो हम बोलते हैं कि गांधी जयंती है, पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को किस दिन के रूप में मनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नॉन वायलेंस डे। ऑब्वियसली महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन अहिंसा के मार्ग पे वो चले और यही रास्ता उन्होंने बताया है, तो नॉन वायलेंस डे ऑप्शन ए। पूरी दुनिया सिर्फ इस नॉन वायलेंस डे को जस्ट फॉर द सेक, है ना, जैसे सेक के लिए ना मनाए, इसकी अहमियत को भी समझे। और पूरी दुनिया में, चाहे वो आपके पास रशिया और यूक्रेन का वॉर हो, चाहे वो आर्मेनिया और अजरबैजान का हो, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान का जो इश्यूज हैं वो हों, या फिर भारत और पाकिस्तान का हो, जहाँ पे पाकिस्तान जबरदस्ती कश्मीर का जो अपना राग है वो अलापता रहता है, जबकि कश्मीर उसका कभी नहीं हो सकता, चाहे वो इंडिया और चाइना का केस हो, जहाँ पे चाइना ज़बरदस्ती हमें अग्रेशन दिखाना चाहता है। पूरी दुनिया को ज़रूरत है गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको समझने की, मानने की, और उसको अपने जीवन में अनुसरण करने की, ताकि पूरी दुनिया पीसफुली रह सके। इसमें रशिया यूक्रेन के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर 2-3 दिनों में वीडियो आ जाएगी, और किर्गिस्तान के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनके भी लिंक मैंने दिए हैं उनको आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पूरी दुनिया गांधी जी के जन्मदिन को इंटरनेशनली कैसे ऑब्जर्व करती है? नॉन वायलेंस डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट पर्सनैलिटी पेड दिस वंडरफुल ट्रिब्यूट टू गांधी जी? और ये बहुत ही वंडरफुल है, बड़ा ज़बरदस्त है, ध्यान से सुनेगा। जनरेशंस टू कम विल स्केयर्स बिलीव दैट सच अ वन एज दिस एवर इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। अब मैं आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ। भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हार्ड मास से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी इस धरती पर आया था। ये जबरदस्त लाइंस, ये वंडरफुल ट्रिब्यूट निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो ये निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन सी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था गांधी जी के लिए कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी कि हार्ड मास से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पोर्ट्रेट महात्मा गांधी इन 1982 फिल्म गांधी? तो 1982 में एक फिल्म बनी थी गांधी, उसमें महात्मा गांधी जी का किरदार जो है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बेन किंग्सले। बेन किंग्सले ने किया था महात्मा गांधी जी का किरदार परफॉर्म या पोर्ट्रे इन द ईयर ऑफ 1982 फिल्म गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज नेम्ड मैन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन हर साल मैन ऑफ द ईयर एक व्यक्ति को चुनती है, तो महात्मा गांधी जी को उन्होंने मैन ऑफ द ईयर कब चुना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1930 में। तो 1930 के मैन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन कौन थे? हमारे महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द महात्मा गांधी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा? आप सारों ने बैंक नोट्स देखे हैं जहाँ पे गांधी जी की तस्वीर है, तो महात्मा गांधी जी की जो सीरीज है बैंक नोट्स की, उसको आरबीआई कब से छापने लगा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड महात्मा गांधी नॉमिनेट फॉर द नोबेल पीस प्राइज? अब नोबेल पीस प्राइज़ गांधी जी को मिला तो नहीं, क्यों नहीं मिला उसके ऊपर अलग वीडियो है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मैंने कहा कि उनको नॉमिनेट तो किया गया, तो कितनी बार उन्हें नॉमिनेट किया गया है? तो ये हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, ऑप्शन बी, 5 बार उन्हें नॉमिनेट किया गया। कब कब? 1937, 1938, 1939, 1947 एंड देन 1948। तो ये 5 ईयर्स थे जहाँ पे महात्मा गांधी जी को नॉमिनेट किया गया, लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज़ का अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है कि वो गांधी जी के हाथों नहीं लगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म अग्रह मीन इन सत्यग्रह। सत्यग्रह में ये जो अग्रह शब्द है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, दैट इज इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस का मतलब हुआ जोर देना, है ना, जैसे जिद करना या हठ करना, तो वो होता है इंसिस्टेंस, अग्रह। तो सत्यग्रह में अग्रह का क्या मतलब है? इंसिस्टेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट यूजिंग चरखा फॉर वीविंग। अब आपने ऐसे बहुत सी फोटोज़ वगैरह देखी हैं जहाँ पे गांधी जी चरखा चला रहे हैं, और हमारे मोदी जी भी काफ़ी प्रमोट करते हैं खादी को। तो अब सवाल है कि गांधी जी ने चरखा चलाना मतलब कब शुरू किया, उसको यूज़ करना। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी है, 1930। तो 1930 में सबसे पहले गांधी जी ने चरखे का यूज़ शुरू किया था वीविंग के लिए। तो ये महात्मा गांधी जी से जुड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही जी के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी वीडियोज़ मैंने आपको बताई हैं उन सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।